अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पीछे ज़्यादा गौर नहीं करें यार, बता चुका हूँ आपको, शिफ्टिंग चल रही है, तितर बटेर हुआ हुआ है घर पूरा का पूरा। तो बस यार, आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। असल में सिलसिला ये है कि आज का व्लॉग शायद लंबा हो, तो इसलिए मैंने शुरू में नहीं सोचा कि मैं आगे की वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो सब कुछ कर लिया था, उठ गया था टाइम पर, और टाइम तो आपको पता ही है मेरे उठने का क्या है, शाम को उठ गया था और सब चीज़ें कर ली थी, खाना खा लिया था, वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो अपलोड हो चुकी है कल वाले व्लॉग की, तो सब चीज़ें कर ली। अब बस करना ये है कि ऑफ़िस चल रहा है, और ऑफ़िस से मैंने आज बता दिया है कि मैं आज थोड़ा जल्दी ऑफ़ करूँगा, क्योंकि मुझे मंडी भी जाना है, और मंडी का नहीं कंफर्म ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं आपको शहर कराची में जो भी मशहूर जगहें हैं जहाँ पे अच्छे लईम शईम और ख़ूबसूरत जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन भाई, कराची बहुत बड़ा है, मैं पूरा कराची आज कवर नहीं कर सकूँगा, और एक आज के ही दिन है, कल तो चांद रात तो नहीं कहूँगा, लेकिन परसों बकरीद है, तो कल मेरी मसरूफियत भी हैं, कुछ घर के काम भी हैं, शिफ्टिंग तो चली रही है, और बकरीद के लिहाज से भी मेरे कुछ काम है तो मैंने करने, तो कल तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आज जाएंगे और दो तीन चार जगहें जो भी मशहूर हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे, और मैं सर फहरिस्त जो रहेगी वो है JDC, तो जाएंगे। और अभी ऑफ़िस क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम का है, तो बिना टाइम ज़ाया किए ऑफ़िस को ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलता हूँ कुर्बानी के जानवर दिखाने के लिए। तो बने रहिएगा साथ, और इंशाल्लाह आपको आज बेहतरीन से बेहतरीन जानवर मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं, ऑफ़िस का काम करते हैं और फिर लेके चलते हैं आपको जानवर दिखाने। तो भाई, सीन ये है कि लग रही है टाइट भूख, और आज पकी हुई है लौकी गोश्त। तो लौकी गोश्त से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस आज दिल चाह गया बिरयानी खाने का, तो बिरयानी मंगवा ली है। अच्छा, जा नहीं सकता था वरना मैं अपने काम खुद ही करता हूँ, जाके सब चीज़ें खुद लेकर आता हूँ। देखिए, मैं हंस क्यों रहा हूँ उसके पीछे आपको रीज़न नहीं बता सकता, कि सामने ऐसा कोई बैठा हुआ हो सकता है जो मुझे गुस्से से देख रहा हो, तो सबको पता है मेरे घर में भी और जो मुझे जानते हैं कि मैं अपने काम सारे खुद करता हूँ, बिरयानी खुद लेकर आता, लेकिन असल में ऑफ़िस आज बहुत शॉर्ट पीरियड का है, तो इसलिए मैं जा नहीं सका, और बिरयानी मैंने पापा से मंगवा ली थी, और खाते हैं बिरयानी, बड़ी टाइट खुशबू आ रही है यार, तो खाते हैं बिरयानी, दिखाता हूँ आपको कितनी क्या बेहतरीन बिरयानी बनी हुई है, तो दिखाता हूँ बिरयानी और खाता हूँ बिरयानी, और उसके बाद करता हूँ ऑफ़िस का काम, और फिर आपको तो पता ही है आज कहाँ जाना है, तो वहाँ जाएंगे और आगे का व्लॉग वहाँ फिर कंटिन्यू करेंगे। तो भाई, आपके सामने ये मैंने अभी कहा तो था कि लौकी पकी हुई है, तो लौकी तो आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन ये अभी कहीं से मंगोचियाँ भी आ गई हैं, शायद खाला के घर से आई होंगी जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो बनाती हैं और उनको पता है कि पापा को बहुत पसंद है, तो वो लाजमी भेजती हैं मंगोचियाँ। तो ये मंगोचियाँ क्या होती हैं ये अब मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता, तो लेकिन होती हैं ऐसी कि घर में बहुत पसंद की जाती हैं, तो आ चुकी हैं मंगोचियाँ भी, बिरयानी गर्म हो रही है क्योंकि ठंडी हो गई थी लाते लाते, तो बिरयानी आ जाती है, तो मैं बिरयानी भी दिखाता हूँ और उसके बाद फिर उसको खाता हूँ और फिर आगे का व्लॉग। बल्कि बिरयानी भी आ चुकी है, लें देखें बिरयानी, वाह भाई वाह, क्या मज़े की बिरयानी लग रही है भाई, टाइट खुशबू आ रही है, तो बिना टाइम ज़ाया करें खाते हैं खाना और फिर आगे का करते हैं व्लॉग। तो भाई, आपका भाई हो चुका है तैयार, और पीछे बैग दिख ही रहा होगा आपको एज़ यूजुअल, कि मेरे साथ सारा ऑफ़िस का सामान साथ चलता है, वैसे तो मैंने ऑफ़िस ऑफ कर दिया, लेकिन भाई ऑफ़िस जब घर से होता है तो ऑफ़िस कभी बंद नहीं होता, तो काम किसी वक्त भी आ सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं काम को मना करूँ, तो जल्दी से बस पैक करते हैं और ऑफ़ करते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के जानवर जो आए हुए हैं शहर में, और जितने भी हो सके, क्योंकि ऑलरेडी रात के 11 बज चुके हैं और मैं अभी तक निकला नहीं हूँ, तो देखते हैं जितना भी कवर कर सकते हैं करते हैं जहाँ तक हो सका, और आगे फिर आपको दिखाते हैं। तो जल्दी से करते हैं ऑफ़, आपका भाई तैयार है, और बस बैठना है बाइक पर और निकलना है और जाके फिर आपको वहाँ से ज्वाइन करना। भाई आ चुके हैं ससुराल, पहले जाते हैं ससुराल में, बैग रखते हैं और फिर चलते हैं आपको दिखाने जानवर, तो फटाफट रखते हैं बैग और फिर दिखाते हैं आपको चल के जानवर। चल दिए हैं जानवर देखने के लिए, तो चलते हैं बाइक स्टार्ट करते हैं, JDC बहुत करीब है यहाँ से, तो फटाफट JDC जाते हैं और आपको दिखाते हैं जानवर, तो बने रहें साथ,
मिलते हैं वहाँ पे जाके। भाई हम JDC आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक किस्म का मेला लगा हुआ है, तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको जानवर। भाई जैसे कि आपके सामने सबसे पहले मैं चांदगल दिखा रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूरी है JDC में, आजकल मशहूरी इसकी हुई हुई है कुर्बानी में। तो ये वो चांद बैल है जो कि हैदराबाद से ज़फ़र भाई को डोनेट किया गया JDC को। तो आप लोग देखें माशाल्लाह, इसकी खूबसूरती ये है कि इसके जो सींग हैं वो देखें आप कितने बड़े हैं। तो ऐसा चांद बैल मैंने पहले नहीं देखा था, और एक चांद बैल बराबर में बैठा हुआ भी है, तो वो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि वो बैठा हुआ था और उसके सामने भी जानवर खड़े थे, भैंसा भी बैठा हुआ था, और भी जानवर खड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ बैठे हुए भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो माशाल्लाह भाई बहुत रौनक लगी हुई है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये वो बैल है जो कि सबसे लंबा बैल है, और इसके बराबर में आप लोग देख सकते हैं कितने खड़े हैं। अच्छा भाई मैं आपको बताता चलूँ, मैंने स्टिक को, अपनी सेल्फी स्टिक को फुल खोला हुआ है और अपना हाथ फुल एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो इसके मैं चेहरे पे आया हूँ। आप देखें लोग जो बराबर में खड़े हुए हैं वो उसकी कमर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये अच्छे खासे लंबे लंबे लड़के इसके बराबर में खड़े हुए हैं लेकिन इसकी कमर तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। तो देखें इसकी खूबसूरती, ये ज़फ़र भाई को, JDC को शायद अफरीदी भाई के हाथ दिया गया है, बिल्डर ने दिया है। तो माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें, लोग देखें कितना इसको एंजॉय कर रहे हैं और इसके बराबर में खड़े खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं और तस्वीरें बनवा रहे हैं। तो भाई यही रौनक है शहर कराची की। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप, शायद आपको हाइट का अंदाज़ा हो। ये लंबा लड़का जो खड़ा हुआ है, बहुत लंबा लड़का है, लेकिन ये कमर तक नहीं पहुँच पा रहा है भाई इसकी, वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही खूबसूरती ही इसकी लंबाई की है। तो ये सिब्बी का बैल है लंबा तरीन, देखें रौनक देखें आप, यही तो रौनक है यार कराची की। लोग देखें, आप चल नहीं सकते इतना रश है। देखें एक चांद बैल और देखें, इसकी भी खूबसूरती बस यार यही होती है कि इसके सींग जो होते हैं ना बस बहुत आला होते हैं। दिखाता हूँ ऊँट, और दो ऊँट ये खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए हुए थे। ये सबसे बड़े ऊँट हैं, ऊँट तो इतने हैं कि आपकी सोच है, दोनों तरफ दोनों साइडों पर ऊँट भरे हुए हैं, और लेकिन ये दो ऊँट वो हैं जो कि सबसे बड़े हैं उन ऊँटों में। तो इनको अलग ही खड़ा किया हुआ है सजा कर, आप लोग देख सकते हैं आमने सामने खड़े हुए, और बेहतरीन तरीके से लोग इनके साथ भी सेल्फियाँ बना रहे हैं यार, और लोग मुझे भी देख रहे हैं कि मैं शायद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो लोग समझ गए हैं भाई मैं व्लॉग करने आया हूँ। पीछे जानवर भी खड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत, बार बार लोग कह भी रहे थे कि आप व्लॉगर हैं यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनको बताया यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, फैमिलीज़ के साथ आए हुए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यार, चलने की जगह नहीं थी मेरे भाई यहाँ पे, और मैं आपको क्या बताऊँ किस तरीके से मैंने इस व्लॉग को बनाया है। और मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही आला किस्म का, तो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वरना इतना शोर था, इतना रश था कि मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब कुछ भी सुनाई ना दे ऐसा रश था। तो देखते रहें आप बंदे ने साथ, और मैं आपको और ऊँट दिखाता हूँ, कुछ जो और ऊँट खड़े हैं, चलते हैं आगे, देखें आप ऊँट ये जो खड़े हैं यहाँ से लेके और गली के कोने तक ऊँट ही ऊँट हैं। मैंने तो गिनती भी नहीं करी यार, इतना रश था, मैंने सोचा था गिनती करूँगा कितने ऊँट हैं, लेकिन आप देखें लाइन से यहाँ से वहाँ तक ऊँट बैठे हैं, और ऊँट भी इंजॉय कर रहे हैं यार पब्लिक को, और पब्लिक ऊँटों को इंजॉय कर रही है देख देख के। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सारे ऊँट यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी आपको ऊँट दिखेंगे, अगर मैं दिखा सकूँ आप लोगों को। तो देखें बहुत रश है यार, चलना भी मुश्किल हो रहा था, जाहिर सी बात है ख़वातीन भी थी तो देखभाल के चलना पड़ रहा था भाई, माएँ बहनें हमारी साथ थी तो बहुत देखभाल के चले हैं, धक्कम पेल ना हो, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वहाँ पे मैंने चीज़ नहीं देखी, और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे की वे में जो है सब चीज़ें चल रही थी, और हर जगह जानवरों के पास उनके अपने बंदे भी बैठे हुए थे जो कि डील कर रहे थे ऐसा ना हो ताकि कोई जानवर काट ले या कुछ कर ले। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ज़फ़र भाई ने सब चीज़ें की हुई, दिखाता हूँ मैं आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मेरे भाई ऊँट खड़े में, वो देखें कोने तक आपको ऊँट दिखेंगे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ऊँट खड़े में, ये देखें ये दूसरी साइड है, तो रोड की दोनों तरफ भाई ऊँट ही ऊँट हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अल्लाह ताला ज़फ़र भाई को और जिन जिन्होंने इनको ये डोनेट किए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यार, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो बस बहुत सारी दुआएं, दिखाता हूँ भैंसे भी, और देखें आप कितने बड़े बड़े भैंसे हैं यार, मैं इनको पूरा कवर भी नहीं कर पा रहा था भाई, एक तो रश और उसके बाद से इनका साइज इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं इस भैंसे को, देखें इसके मैं करीब ज़रा सा कैमरा लेके जाता हूँ, देखें ये मेरा भाई ये ऊपर देख रहा है, और ये फुंकारेगा भी अभी बहुत ज़ोर से, तो मैंने फटाफट दूर कर लिया भाई कहीं चबा ना जाए। तो देख सकते हैं आप इस तरीके की चीज़ें, एक छोटा बकरा दिखाता हूँ यार, चलें
भाई ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत बकरा लग रहा है। एक बैल दिखाता हूँ आपको मैं, बहुत ही बड़ा बैल है भाई, बैठा हुआ है, कवर नहीं करवाया हूँ मैं इसको, चारा खा रहा था ये, और इसके बराबर में भी इसी तरीके से एक बैल बैठा, उसको भी कवर करूँगा। तो देखें आप इसकी लंबाई देखें, ये बराबर में बैल खड़ा हुआ है, इसकी भी देखें आप लंबाई चौड़ाई देखें, तो माशाल्लाह भाई इतना गोश बनेगा कि गरीबों में बटेगा, तो भाई बहुत ही आला काम कर रहे हैं ज़फ़र भाई, मैं बता नहीं सकता आपको जितनी दुआएं निकलती हैं ज़फ़र भाई के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। चलें भाई, सिलसिला कुछ यूँ था कि अंदर तो इतना रश था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, और मैंने पूरा कवर किया है लेकिन माइक के बगैर बोलना बहुत मुश्किल था, तो माइक भी काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा रश था। तो जाके इंशाल्लाह आपको और जानवर दिखाते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो भी होगा जैसे भी होगा जहाँ जहाँ जा सका वो आज दिखाऊंगा आपको। तो अभी JDC कवर कर लिया, चलते हैं आगे और जाके दिखाते हैं आगे भी जानवर भाई। तो गुलबर्ग 13 नंबर में मौजूद हैं हम इस वक्त, और मैं आपको दिखाता हूँ चल के एक बहुत ही खूबसूरत जानवर मैंने अभी देखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और माशाल्लाह कहना मत भूलिएगा भाई, और बहुत ही खूबसूरत जानवर है। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ उसको, और देखें उसको चल के, और बहुत ही आला बहुत ही खूबसूरत जानवर है। तो चलें देखते हैं जानवर भाई, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी क्या खूबसूरती है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़रे बद से बचाए भाई, और अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। मौजूद हैं हम गुलबर्ग 13 नंबर में, और बहुत ही खूबसूरत जानवर है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, और ये खुला हुआ है, बंधा हुआ नहीं है, तो आप ये भी देखेंगे कितना मासूम है। और अब ये इस तरफ को आ रहा है तो मुझे खुद डर लग रहा है, क्योंकि इतना भारी जानवर है ना, अगर ये इस तरफ को आ गया ना तो बड़े मसले हो जाएंगे, तो इसलिए हम बस इसको फटाफट कवर करके और यहाँ से दूसरी तरफ निकलते हैं। और देखें माशाल्लाह भाई, वाह क्या बात है भाई, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी करूँ कबूल फरमाए। चलें अब चलते हैं दूसरी जगह, माशाल्लाह से एक जानवर और है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, और एक अभी मैंने आपको अंदर दिखाया, तो बहुत ही खूबसूरत जानवर यहाँ पे आए हुए हैं, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बकरे वगैरह भी मौजूद हैं, और जो अंदर मैंने आपको जानवर दिखाया वो तो बहुत ही खूबसूरत था। तो गुलबर्ग 13 नंबर में हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं, तो चलते हैं और देखते हैं, अगर कोई और जानवर दिखता है तो फिर वो भी दिखाते हैं हम। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी क्लब के बिल्कुल गेट के सामने, और एक बहुत ही खूबसूरत जानवर देखा है सिब्बी का, तो अभी इस वक्त बैठा हुआ है, तो इसमें शायद आपको इसकी हाइट पता नहीं चलेगी, लेकिन बैठे हुए भी आपको मैं इसकी हाइट दिखाता हूँ और इसको वैसे दिखाता हूँ, तो आप लोग देखें कितना खूबसूरत जानवर है ये। भाई जिनके जानवर थे बहुत कोऑपरेटिव थे, मैंने उनसे पूछा हम वीडियो बना लें, तो बस के बोलने लगे यार आप टहला भी लें, तो माशाल्लाह इनका जानवर देखें, अच्छा ये बैठा हुआ था यार, मैंने मुनासिब नहीं समझा इसको खड़ा करना, आराम कर रहा होता जानवर या इसको तंग करें, मैं खड़ा होता तो मैं आपको दिखाता इसकी खूबसूरती, क्योंकि सिप्पी का बैल इसकी खूबसूरती होती ही खड़े होने के बाद पता चलती है। तो बस भाई चलते हैं आगे भाई, आज गुलबर्ग 13 नंबर का विज़िट हो चुका है, तो यहाँ पे तो भाई बेशुमार जानवर आ गए मेरे पीछे, अब आप लोग देखेंगे एक ऊँट बैठा हुआ है, तो इस वक्त मैं इसके आपको फ्रंट से व्यू देता हूँ, तो देखिएगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत ऊँट है ये। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इसकी खूबसूरती देखें आप माशाल्लाह, इस पर जो डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है वो भी देखें, तो देख सकते हैं आप लोग ऊँट देखें किस तरीके से जो वाली कर रहा है। तो चलते हैं आगे और आगे के जानवर देखते हैं। तो भाई गुलबर्ग 13 नंबर में हम एक जगह और मौजूद हैं, और माशाल्लाह से जानवर देखें आप, खूबसूरती देखें इसकी, और लंबाई देखें इसकी, चौड़ाई देखें इसकी, अगर आपको दिख रही हो मैं आपको दिखा सकूँ पूरी तरीके से, तो इसकी चौड़ाई देखें इसकी लंबाई देखें माशाल्लाह से भाई, बहुत ही खूबसूरत जानवर है, देखें आप लोग, आपको दिखाता हूँ करीब से, और तो मतलब इतना बड़ा है कि अगर मैं इसको सही से बनाऊँ ना तो मेरे कैमरे में पूरा ना आएगी मोबाइल में, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और अभी गुलबर्ग हमने जो है ना एक ब्लॉग भी पूरा नहीं किया, और आप यहाँ जानवर देखें, चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको और जानवर भाई। ये तो कैमरे के फ्रेम में ही नहीं आ रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरती और इसकी लंबाई देखें भाई आप, पूरा का पूरा फ्रेम में आने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है भाई इसको फ्रेम में लाने के लिए, अगर मैं आगे से दिखा सका तो दिखाता हूँ आपको, आगे से कोशिश करता हूँ आगे से दिखाने की, वैसे आएगा नहीं आगे से ये, तो कोशिश करते हैं दिखाने की आगे से,
माशाल्लाह भाई क्या चीज़ है भाई, खूबसूरत खूबसूरत, और लेम शहीम भी, और बहुत बड़ा रोड भी बैठे हैं दो पीछे, तो रोड भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, दो ऊँट भी हैं। और बस जानवर जो है ना वो तो बहुत ही आला है, फ्रेम में नहीं आ रहा इतना बड़ा जानवर है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की कुर्बानी कबूल फरमाए भाई। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चांद बैल हमें गुलबर्ग में भी मिल चुका है, तो देखते हैं चांद बैल, देखें माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, और सींग देखें इसके बाद आप, और एक नहीं है दो हैं, दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, लेकिन दूसरा भी देखें आप माशाल्लाह से, सींग देखें इसके, बिल्कुल चांद की तरह, क्या बात है वो, वाह भाई वाह भाई। जानवर तो बहुत देखे, इसकी खूबसूरती का मैं आपको बता नहीं सकता, इसकी खूबसूरती इसके आँख के ऊपर जो सीधे हाथ पे पैस्ट है ना, और इसका कलर इतना शाइन मार रहा था ना वीडियो में, शायद आपको नहीं पता चल रहा भाई, बहुत ही आला, बहुत बहुत खूबसूरत जानवर था। दूसरा जानवर दिखाता हूँ भाई, इसका भी शाइन मार रहा था कलर, और लाइट ऐसी लगी हुई है कि आपको सही पता नहीं चल पा रहा होगा शायद, और मेरे मोबाइल ने सही इसको कवर नहीं किया होगा, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत। और ये जानवर ऐसा था कि जितनी दफ़ा मैं इसके करीब गया हूँ ना, इसने भाई खारा है और मारने की कोशिश की है मुझे, तो ये अगर खड़ा हुआ होता ना तो मैं इतनी वीडियो इसकी बना नहीं सकता था। तो दूसरा जानवर ये, तीसरा जानवर ये खड़ा हुआ है, और ये खा रहा है चारा, और भाई इसको खिला रहा है चारा, और भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है भाई, इतने सारे जानवरों को चारा लगाया है अभी, कुछ खा के बैठ चुके हैं, कुछ अभी भी खा रहे हैं, और इसकी बारी है चारा खा रहा है ये, तो देखें इसको चारा खाते हुए। और एक जानवर और पीछे आपको दिख रहा होगा जो कि बैठा हुआ है, तो ये इसका थोड़ा सा चारा खाना हम कवर कर लें, तो फिर मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ और उसको दिखाता हूँ, उसको भी चारा काला था लेकिन वो खा चुका है। तो जाते जाते दोबारा यार फिर मेरा दिल चाह रहा है मैं काला वाला जानवर दोबारा आपको दिखाऊं, इसका कलर भाई माशाल्लाह बहुत ही अलग है। अबे भाई ये मुझे मार के रहे, अरे तुम्हारी, अरे भाग भाई निकल, नहीं भाई नहीं, अब खड़ा हो चुका है, मैं इसके करीब नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि ये बैठे हुए मारने की कोशिश कर रहा था। तो खैर चलें, ये वाला जानवर देखें भाई बहुत खूबसूरत था, इसको मैंने खड़ा नहीं किया भाई, क्योंकि इसको खड़ा करने का दिल नहीं चाह रहा था, आराम कर रहा होता है जानवर तो यार बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। माशाल्लाह भाई इनकी कुर्बानी कबूल कर फरमाए अल्लाह ताला। चलें भाई चलते हैं वापसी घर की तरफ। भाई तो आ चुके हैं घर, और अब अपना जानवर भी देख लेते हैं, आज देखा ही नहीं था, बस आते ही फौरन निकल गए थे क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, 3 बज रहे हैं, तो मैंने कहा ऊपर जाते जाते आपको अपना जानवर दिखा दें। और ये किसी और का है, और ये कोशिश कर रहा है कि मेरी पैंट को जो है ना वो खा जाए, तो इससे दूर रहते हैं, और दिखाते हैं आपको अपना जानवर, और फिर जाते हैं ऊपर। और भी जानवर आ चुके हैं यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे, सकते हैं आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल मकबूल फरमाए। चलें चलते हैं ऊपर, और उसके बाद फिर करते हैं वीडियो एडिट। भाई रास्ते में टी वी हटी नहीं रही, देखें आप हटी नहीं रही, चलो खैर इसको करने देते हैं आराम, और हम चलते हैं घर के अंदर। चलते हैं भाई घर की तरफ, रोज़ रोज़ ससुराल में रुकना अच्छी बात नहीं है, तो जानवर देख लिए और ससुराल में भी हो लिए, तो चलते हैं घर और फिर जाके करते हैं एडिटिंग। अगर मोहल्ले में कोई जानवर वगैरह हुए तो फिर वो भी दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद भी लॉक कर दूँगा एंड। भाई तो मैं आ चुका हूँ घर, रास्ते में मिली बारिश और बहुत लेट हो गया था, तो बहुत स्लो स्लो बाइक चलानी पड़ी क्योंकि रोडें हो रही थी बहुत स्लिपरी। और प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, जब भी ऐसे कभी बारिश हो और बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि बाइकें स्लिप होती हैं। तो मैं बाइक पे गया था क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो भाई सीन ये हुआ कि बारिश होने लगी अचानक यूनिवर्सिटी रोड पे, और स्लो स्लो शुरू हुई और फिर तेज़ हो गई बीच में, सपूरा में बहुत तेज़ बारिश मिली हमें, भीग गया मैं, और मज़ा भी आया, और सीज़न की पहली बारिश हमने इन्जॉय की। तो लेकिन फिर भी बहुत ख़तरे वाली बात होती है, क्योंकि जब तक तेज़ बारिश नहीं हो जाती थोड़ी देर तक, तो रोड बहुत स्लिपरीज हो रही होती हैं, और उसकी वजह से बाइक स्लिप हो जाती है। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखा करें, जब भी ऐसा कभी हो तो बहुत स्लो बाइक चलाएं, ब्रेक एकदम ना मारें। तो बस यही था, तो बस फौरन घर आया और आके सब चीज़ें, क्योंकि मोबाइल भी पास था, लैपटॉप भी पास था, चेक करी, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ भी गीला नहीं हुआ था। तो बस चलते हैं जल्दी से, चेंज करते हैं यार आज का व्लॉग, यहीं एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आज का व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो आज के व्लॉग में आपको मैंने जैसे वादा किया था, मैं आपको JDC लेके गया और ब्लॉक 13 के कुछ जानवर दिखाए,
और भी जगह गया था, रोशन बाग गया था, लेकिन वहाँ पे जानवर नहीं आए हुए थे, तो बाकी और नहीं दिखा सका यार इतने ही मैं, क्योंकि लेट हो गया था ऑलरेडी, तो मैं इतने जानवर दिखा सका आप लोगों को। और बस ये है कि अब कल है आखिरी रात, तो जो भी होगा अनलोडिंग वगैरह जो भी कुछ होगा, और रैली भी है, मैं आपको बता चलूँ कल रात को 1 बजे रैली निकलेगी अमरोहा सोसाइटी में, तो उसका लाइव ब्रॉडकास्ट मेरे चैनल पे दिखाई देगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद सुबह में जो भी गायें ज़िबा होंगी, और इंशाल्लाह ससुराल भी जाना है, वहाँ पे कुर्बानी है, तो वहाँ भी उसको भी कवर करूँगा, तो बने रहिएगा। ईद पे जो भी कुछ होगा वो आपको दिखाऊंगा। और याद रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। और बस यही है आज के लिए, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।